नमस्कार, poonamrathi.com में आपका स्वागत है। टेस्टी एंड बेस्टी रेसिपीज के आज के एपिसोड में हम बनाएंगे शेव पूरी, दही पूरी। जनरली हम इसे कहते हैं एसपीडीपी। एसपीडीपी बनाने के लिए हम लेंगे उबले हुए आलू जो मैंने स्मैश कर दिए हैं, इमली की चटनी, हरी चटनी, जीरा पाउडर, चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जीरो नंबर सेव और दही मीठा लिया हुआ है। आलू में मैंने नमक डाल के स्मैश किया हुआ है। आप देख रहे हैं इमली की चटनी में हम थोड़ा हरी मिर्च ग्राइंड करके डाले हुए हैं, जिससे हमारी एसपीडीपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और थोड़ा स्पाइसीनेस आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम दही मैंने मीठा किया हुआ है और चीनी डाल के उसे हाथ से मैंने फेटा है। हमें दही को मिक्सी से नहीं घुमाना है। अब हम बनाएंगे एसपीडीपी। यहाँ पे मैंने चपटी पूरी ली हुई है एसपीडीपी की। पहले हम पूरी लेंगे, उसके ऊपर आलू लेंगे, उसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे थोड़ी थोड़ी, हरी चटनी डालेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे जिससे एसपीडीपी बहुत ही चटपटी बनेगी, थोड़ा ऑनियन डालेंगे, अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही के ऊपर हम थोड़ा वापिस हरी मिर्च से बना हुआ इमली का पानी डालेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये खाने में। उसके ऊपर जीरो नंबर की सेव और उसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। ये हो गई हमारी एसपीडीपी तैयार। नाउ स्पेशल टिप्स फ्रॉम माई साइड। मीठा दही लेना है, उबले हुए आलू में स्मैश करते वक्त नमक डाल के लेना है और इमली की चटनी में हरी मिर्च मिक्सर में ग्राइंड करके लेना है, जिसकी वजह से एसपीडीपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। मैं आशा करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।